जय सिंहदेव, जय श्री राम। मैं वारे गुरु जी आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। भाइयों, आज का जो हमारा विषय है 2024 जो अभी जो साल चल रहा है, इस साल में जो 4 जून को जो रिजल्ट आने वाले हैं इलेक्शन के, तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इसके बारे में आज मैं भविष्यवाणी करने वाला हूँ। और ऐसे हवा में मैं भविष्यवाणी नहीं करने वाला हूँ, सबूत के साथ, दावे के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई देश का नया प्रधानमंत्री कौन होगा। वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और देखिए भाइयों, मैं आपको साफ साफ ये कहने वाला हूँ कि मैं किसी भी पक्ष का नहीं हूँ, किसी भी पार्टी का नहीं हूँ भाई, या फिर मैं किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहा। जो सच है, जो सत्य है, वही मैं आपके सामने रखने की कोशिश करने वाला हूँ। और जो मेरा पेशा है ज्योतिष शास्त्र का, जो मेरे पास ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, जो ज्योतिष शास्त्र देखकर जो लोग भविष्य बताते हैं कि भाई आगे क्या होगा, किसी का क्या होगा, उसी शास्त्र की मदद लेके मैं आज भविष्यवाणी करने वाला हूँ। अभी आप देख सकते हैं भाइयों की, जो अभी इलेक्शन का जो सभी जो साल चल रहे हैं, अभी 2024 में अभी जो इलेक्शन का जो लोकसभा के जो इलेक्शन है, ये 7 चरणों में इलेक्शन ये चालू है। 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि भाई कौन देश का नया प्रधानमंत्री बनेगा या फिर बन रहा है। लेकिन जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है भाई, इसके माध्यम की इसकी सहायता लेकर मैं आपको आज ही बताने वाला हूँ कि भाई 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो भाई वो बात ऐसी है कि देखिए, आप जो सोशल मीडिया पे देखते हैं, यूट्यूब चैनल पे देखते हैं, जो कुछ न्यूज चैनल पे देखते हैं कि लोग बोलते हैं भाई, कोई बोलता है मोदी साहब आएंगे, कोई बोलता है राहुल गांधी साहब आएंगे, कोई बोलता है ये आएंगे, कोई बोलता है वो आएंगे, ठीक है। लेकिन आपने अपने मन की बात है भाई, देश को स्वतंत्र, देश अपना आजाद है, कोई भी अपनी बात रख सकता है। लेकिन जो सच जानकारी, जो सही जानकारी है, जो सत्य जानकारी, वो आपको इस चैनल पर सुनने को आपको मिलने वाली, देखने को मिलने वाली। तो भाई बात ऐसी है कि प्रधानमंत्री पद ये होता है देश का सबसे बड़ा ये पद होता है। प्रधानमंत्री होना कोई आसान बात नहीं है, ठीक है। अभी कोई भी व्यक्ति जिंदगी में अगर आगे बढ़ता है या फिर किसी पद को हासिल करता है, किसी मंजिल को हासिल करता है, तो उसको दो बातों का या फिर दो में से एक बात का सहारा होना बहुत ही जरूरी है। वो दो बातें कौन सी भाई? एक तो व्यक्ति कर्म से बड़ा बनता है, या फिर एक तो व्यक्ति भाग्य से बड़ा बनता है, भाग्य यानी धर्म से बड़ा बनता है। अभी मोदी जो साहब है, अभी जो राहुल गांधी साहब या फिर मोदी साहब, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो देश का प्रधानमंत्री होगा, तो उसको एक तो धर्म का साथ होना जरूरी है या फिर एक तो कर्म का साथ होना जरूरी है। जब तक आपको धर्म का साथ नहीं होता या फिर कर्म का साथ नहीं होता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ठीक है भाई, आपका मैं ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूँ कि कौन बनेगा देश का प्रधानमंत्री, और वो भी लाइव सबूत के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे मैं आपको हवा में बात नहीं करने वाला, ठीक है। तो भाई 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, तो देश का जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी साहब है बनने वाले। श्री नरेंद्र मोदी साहब है देश के नए प्रधानमंत्री। इस 2024 साल में जो इलेक्शन आने वाले, इलेक्शन जब खत्म होंगे, जब 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, तो श्री नरेंद्र मोदी साहब ही देश के प्रधानमंत्री आगे बनने वाले। तो फिर आप बोलेंगे गुरु जी की नरेंद्र मोदी साहब ही कैसे बनने वाले? तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो ज्योतिष शास्त्र जो है हमारा, जो सनातन हिंदू धर्म जो में जो शास्त्र है ज्योतिष शास्त्र, उसकी सहायता लेकर मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई श्री नरेंद्र मोदी साहब ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले। तो जो मैं आपको सबूत दिखाने वाला वो क्या है, तो जो श्री नरेंद्र मोदी साहब की जो कुंडली है भाई, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको लाइव आपको दिख रही है कि उनकी जो कुंडली वो साफ साफ बता रही है कि 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, तो श्री नरेंद्र मोदी साहब ही देश के अगले प्रधानमंत्री बनने वाले। उस कुंडली को आप ध्यान से देखिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई व्यक्ति धर्म से आगे बढ़ता है या फिर कर्म से आगे बढ़ता है,
तो इस साल में जो धर्म है वो श्री नरेंद्र मोदी साहब को बचा रहा है। जो धर्म है वो अपने जो श्री नरेंद्र मोदी साहब है उनके पीछे इस साल में वो धर्म है। उस धर्म की ताकत पे, उस धर्म के आशीर्वाद से, उस धर्म के बल पे अगले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ये होने वाले हैं। तो देखिए भाई, मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ या फिर मैं किसी का भी नहीं हूँ। जो सच है, जो सत्य है, वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि श्री नरेंद्र मोदी साहब की जो कुंडली आपके सामने लाइव दिख रही है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 4 जून जो 4 जून का जो दिन है रिजल्ट आने वाला इलेक्शन का, तो उनके कुंडली में 2 जून से उनको जुपिटर यानी गुरु भगवान की, गुरुदेव जो भगवान है नवग्रह में, उनकी दशा शुरू हो रही है। और गुरु यानी धर्म है, गुरु यानी पुण्य है, तो उनकी दशा, गुरु की दशा उनको शुरू हो रही है। उनको गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, 2 जून से उनको गुरु की दशा शुरू हो रही है और 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो उनके कुंडली में साफ साफ वो लिखा हुआ है कि 4 जून को क्या होगा। तो आप ये विस्तार से आप ये कुंडली को पढ़ सकते हैं। आपको लाइव में उनकी कुंडली का जो फोटो आपको मैं दिखा रहा हूँ भाई, आप देखिए इस कुंडली में क्या लिखा हुआ है। जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन में भाई क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिए। दिस पीरियड इज श्योरली गोइंग टू ब्रिंग ऑल द अथॉरिटी। जो फर्स्ट लाइन आपको दिख रही है उसको ध्यान से देखिए क्या लिखा है, मैं आपको फिर से बताता हूं। दिस पीरियड इज श्योरली गोइंग टू ब्रिंग ऑल द अथॉरिटी, यानी कि आपको पूरा अधिकार मिलने वाला है, और भी गारंटेड आपको पूरा अधिकार मिलने वाला है। जो 7 नंबर की जो लाइन है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, द ईयर विल सी यू ऑफ इन अ कंप्लीटली न्यू पोजिशन। फिर से मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए। जो 7 नंबर की लाइन आपको दिख रही है उसमें क्या लिखा हुआ भाई, द ईयर विल सी यू ऑफ इन अ कंप्लीटली न्यू पोजिशन, मतलब ये साल आपको न्यू पोजीशन में, नए रूप में आपको देखने वाला है। तो भाइयों, ये साफ साफ वो इनकी कुंडली बता रही है कि जो इनको 2 जून को जो दशा शुरू होने वाली है गुरु की, और जो 4 जून को इनको रिजल्ट मिलने वाला है, तो ये गुरु भगवान की कृपा से, धर्म की कृपा से, धर्म के आशीर्वाद से इस साल में जो श्री नरेंद्र मोदी साहब है वही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और देखिए ये जो कुंडली मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ भाइयों, इसमें कोई बात है झूठ नहीं है। जो मोदी साहब की जो कुंडली है उसकी जो दशा है, वो दशा में क्या लिखा है और क्या होगा, देखिए आज मैं जो वीडियो प्रसारित कर रहा हूँ भाई, आज ये जो है ये मई चल रहा है, ठीक है। आज का जो डेट है ये 9 मई है, और ये जो कुंडली का जो आपको मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ ये 4 जून की कर रहा हूँ, 4 जून 2024 की। तो इनकी कुंडली जो बता रही है भाई साफ साफ कि श्री नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो भाइयों, ये जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आपको अच्छे लगे तो अपने वीडियो को लाइक करिए, फॉलो करिए। जय श्री राम, जय श्री राम।